तो हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पाइल का BBS बनाना सिखाएंगे जो हमारा फाउंडेशन में यूज होता है। तो पाइल का BBS हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ड्राइंग ऑन कर लीजिए, आपके पास जो भी ड्राइंग है। ये हमारे पास देखिए 6 लेन का प्रोजेक्ट है, ये हमारा फाउंडेशन है, पाइल कैप है और ये हमारा पाइल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइल का BBS कैसे निकालते हैं। ये हमारा पाइल का ड्राइंग है, ठीक है। ये मैं आप जूम करके दिखा रहा हूँ, हमारा पाइल कैप है, ये हमारा पियर शाफ्ट है और ये जो नीचे 5100 ये हमारा पाइल कैप है, ठीक है। अब सबसे पहले इधर देख लीजिए, हमारा ये पाइल की हमारी ड्राइंग है। ये हमारा सेक्शन है ई और ये हमारा है सेक्शन FF, ठीक है। सबसे पहले कोई भी ड्राइंग BBS बनाना हो तो मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इस कोई भी BBS बनाने से पहले आप उसका नोट्स केयरफुली पढ़ लें ज़रूर, क्योंकि सारा उसमें सब कुछ है। ड्राइंग के बारे में क्या है सारा मेंशन होता है, जैसे हमारा इसमें पाइल कैप में ग्रेट कंक्रीट कवर और हमारा कितना एंकरेज लेंथ, कितना हमारा लैप, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग BBS बनाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा 29 मीटर का डेप्थ ऑफ पाइल है। कहाँ से है ये हमारा, ये हमारा है कट ऑफ लेवल से, ठीक है। कट ऑफ लेवल के ऊपर 50 mm हमारा कवर है, कट ऑफ लेवल के ऊपर, ठीक है, पाइल कैप का बॉटम का। और उसके ऊपर हमारा 1800 का पाइल कैप है और 150 का हमारा एल है, ठीक है। तो हम इसके लिए आप सबसे पहले BBS के लिए आप कुछ नहीं, सिंपली इसमें कौन कौन सा डाया है आप उसके लिए अपना एक्सेल ऑन कर लीजिए, एक्सेल, और इसमें बार कमार किए, जैसे देखिए इसका मेंशन हुआ है ये नीचे देखिए, ठीक है, ये दिया 5, 6, 6, ये 7 और 8 नंबर, 8 नंबर पाइल कैप में, सॉरी सिर्फ 3 इसमें डाया अपना यूज होगा, 20 डाया का 20 नंबर, 25 डाया का 20 नंबर, ठीक है। तो अपना एक्सेल सीट ऑन कर लीजिए, जैसे कि मेरे पास ये एक्सेल सीट है इसी का, ठीक है। ये देखिए मैं सारा इसका फॉर्मेट पहले से बना के रखा हूँ, मैं आपको लेकिन बताऊंगा कि कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं, ठीक है। कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये देखिए मैंने पहले ही इसमें डाया कितने का है वो आप मेंशन कर लीजिए, 1200 डाया हमारा देख लीजिए 1200 का है पाइल का, ठीक है। वो कहाँ है, ये 1200 है, ठीक है। 1200 के बाद हमारा 29 मीटर का पाइल है, तो 29 मीटर हम इसमें ये 29050 mm हमारा ऊपर है नंबर ऑफ पाइल, एक पाइल कैप में हमारा कितना वो है पाइल है, मतलब उसमें एक ग्रुप में वो हमारा 5 पाइल है, जैसे कि हम आपको दिखा दें, ये देखिए एक, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फिर आ जाइए आप, अब देखिए जैसे इसमें लैप दिया हुआ फेवरेबल बॉन्ड कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन बॉन्ड कंडीशन, इसमें हमारा फेवरेबल में राफ्ट और स्लेप स्लीव आएगा, बॉटम का मेन बार आएगा, अनफेवरेबल में राफ्ट बॉटम वाल कॉलम सारे आ जाएंगे। तो हमारा ये इसमें M35 ग्रेड पाइल में कंक्रीट यूज करेंगे तो हमारा लैप 50% आएगा, 74D आएगा। अब 50% कहाँ लिखा हुआ, 50% ये देखिए लिखा है, नॉट मोर देन 50% सर्वे आर द लैप सेक्शन लैप आर प्रोवाइड एक्स मेंशन इन, ठीक है। तो आप अब कुछ नहीं ऑन कीजिए, इसमें देख लीजिए डाया कौन सा 6 है और 7 और 8, 3 डाया हम इसमें यूज कर रहे हैं, 7 नंबर 6, 6 प्लस ये और 7 नंबर और 8 नंबर, 8 है 7 है, 6 और 7 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपली मैं बता रहा हूँ,
अपना एक एक्सेल फाइल ऑन कीजिए, जैसे मेरे पास है, ये हमारा P69 कहाँ है, P69 ये हमारा है, ठीक है। एक मिनट, ऊपर हो गया, ये देखिए, जैसे हमारा ये देखिए प्रोजेक्ट का नाम है हमारा, और ये हमारा P69 देखिए, ये है फाइल कैप फॉर पियर P69 एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, फिक्स पियर के लिए है। अब सिंपली आप अपना एक्सेल फाइल ऑन कर लीजिए, जैसे मैंने ये ऑन कर लिया, मैंने ये BBS पहले से ही बना के रखा हूँ, लेकिन आपके सामने मैं इसका कटिंग लेंथ आपके सामने बताऊँगा, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अब देखिए सिक्स से हम कैसे निकालेंगे, सिक्स से हमारा नोट कर रहा हूँ, जैसे कि हमारा 300 का एल है, इसमें 20 का है, 25 का डाया है, और हमारा 20 नंबर आप बार है। तो आप ड्राइंग खोलिए अपना, ड्राइंग जैसे मैंने ये खोल लिया, अब देखिए सिक्स ए हमारा देखिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ELD का मतलब होता है एनकरेज लेंथ, इसमें मेंशन नहीं है, हमारे प्रीवियस ड्राइंग में इसका 36D होता है। अब देखिए कट ऑफ से हमारा इसका लेंथ है 9900 mm है, ठीक है, या आप 900 मीटर कह सकते हैं। अब इसके लिए आप सिंपली मैं इसका निकाल के बता रहा हूँ, आप अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर ऑन कर लिया। अब कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आप कुछ नहीं, अभी देखिए फाइल कैप में हमारा इसका सरिया कितना 1800 का है, और 1800 में अगर हम टॉप से कवर माइनस कर लेंगे, टॉप का स्टील माइनस कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मान कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ का लेंथ आ जाएगा। तो 1800 का हम नॉर्मली 250-300 लेके चलते हैं, तो मैं इसमें 300 माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं, 300 आप जैसे माइनस कर देंगे तो हम अपना ये कैलकुलेटर ऑन हो गया, ये हमारा 9 मीटर 900, तो 9 मीटर 900 प्लस इसका हम ले रहे हैं 1500 प्लस इक्वल टू 11 मीटर 400 हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमारा L देखिए, L ये हमारा 150 का है, ठीक है, प्लस 150, ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया 11550। अब इसमें हमारा ये देखिए एनकरेज लेंथ होता है, डेवलपमेंट लेंथ यहाँ होता है, LD का मतलब एनकरेज लेंथ हमारा होता है 36D, डाया ये हमारा 6, ये हमारा है 25 का, ठीक है, तो 25 का है तो उसको हम करते हैं 36 × 25, आ गया हमारा 900, ठीक है। देखिए 10 मीटर 800 हो गया, उसके बाद पाइल कैप में हम जाएंगे इससे यहाँ तक 1500 प्लस 1500, ठीक है, 12 मीटर 300। अब हमारा आ जाएगा ये 150L प्लस 150L 12 मीटर 450 आ गया, ठीक है, जिसमें हम कवर ले लेते हैं 75 mm, 12375 इसका आ जाएगा हमारा, किसका 6A का कटिंग लेंथ, एक्सेल फाइल कटिंग लेंथ हमारा आ जाएगा 12375, ठीक है। अब हमारा वर्टिकल लैप, क्योंकि हमारा 12 मीटर से ऊपर सरिया है तो इसमें एक एक लैप आएगा, 20 नंबर सरिया है तो कटिंग इसका 74D लैप है, तो 74D के हिसाब से आपका हो गया 74D के हिसाब से 74 × 25 1850, ये हमारा 1850 हो गया, तो इसमें हम 1850, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाओ वर्टिकल का हमारा 6 नंबर
नंबर बार्क मार्क हमारा देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा छः नंबर हमारा यहाँ से देखिए पाइल कैप में गया है, पाइल कैप से 6 नंबर हमारा यहाँ बॉटम तक आया है। ठीक है, ये देखिए इसका बार। ठीक है, तो आप फिर से एक्सेल ऑन कर लीजिए। अब हम इसका बॉटम हमें कहाँ तक पता है, जैसे हमारा कट ऑफ लेवल से 29 मीटर तो हमारा वैसे ही गया है डाउन। ठीक है, 29 मीटर मैं बता रहा हूँ, 29 मीटर प्लस 29 मीटर प्लस हमारा देखो 29 मीटर कहाँ बॉटम से हम कहाँ तक आ गए, ये आ गए कट ऑफ तक, यहाँ तक आ गए। ठीक है, 29 मीटर के ऊपर हमें कितना जाना है, 1500 प्लस 1500। ठीक है, 30 मीटर 500। अब हमें क्या चाहिए, एल चाहिए 150 प्लस 150। ठीक है, ये हो गया, और माइनस कवर 75 है ना, कितना आ गया 30575 आ गया हमारा। ठीक है, तो आप सिंपली कुछ नहीं इसमें क्या कर दीजिए, 330 कितना था, 30575 30575। ठीक है, हो गया। अब इसका लैप कितना आएगा, इसमें देखिए हमारा 30 मीटर का है, इसमें हमारा डबल लैप आएगा, तो डबल लैप के लिए मतलब 20 नंबर बार है तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 का कटिंग इन 1480 कैसे आया, जो हमारा 74D है, 74 × 20। ठीक है, 1480। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैं लिख दिया 1480। ठीक है, 1480। अब देखिए हो गया हमारा। अब आ जाइए इसमें हेलिकल बार, हेलिकल बार 7 नंबर, 7 नंबर कहाँ है ड्राइंग में, ये देखिए 7 नंबर, ये लेके 300 ऊपर जाएगा पाइल कैप में, और ये हमारा बॉटम तक है पूरा 7 नंबर हेलिकल। ठीक है, ये यहाँ तक। अब हेलिकल बार कैसे निकालेंगे कटिंग लेंथ, मैं बताता हूँ, 1200 का हमारा पाइल है। ठीक है, 1200 माइनस दोनों साइड का कवर 75 75 150 कितना आ गया, 1050। 1050 से हम किससे डिलीट कर वो इंटू करेंगे, 3.14 × 1.050 कितना आ गया हमारा, 32.97। ये हमारा क्या है, कटिंग लेंथ। ठीक है, ये आ गया हमारा 32.97। ठीक है दोस्त, अब 32.97 194 कैसे आया, कि 194 पीस हमारे लगेंगे। हमारा कहाँ तक था, 29 मीटर तो हमारा कट ऑफ था। ठीक है, जैसे कि 29 मीटर वो था, प्लस हमें 300 और ऊपर जाना है, 0.3 कितना हो गया ये, और इसकी हेलिकल की स्पेसिंग कितनी दी हुई है, ये देखिए इसके उसमें रेनफोर्स शेड्यूल में दिया हुआ है 7 × 150 की स्पेसिंग। ठीक है, डिवाइड बाय 0.150 कितना आ गया, 195.33। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, सॉरी तो इसमें 196 कर देते हैं, 3196। ठीक है, हो गया दोस्त। अब ये देखिए 196 आ गया। अब हेलिकल में लैप भी आएगा कि 196 है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपली कटिंग लेंथ आप देख ही लिए हैं, तो 126
196 इंटू कटिंग लेंथ हमारा कितना 3.297, ठीक है, कितना हो गया 646 मीटर हो गया टोटल। अब हमारा 12 मीटर का स्टील होता है डिवाइड बाय 12, तो हमारा कितना लेप आ जाएगा 53, ठीक है, एक एक्स्ट्रा तो हमारा 54 में आ जाएगा, ठीक है। तो 54 का लेप इसका कैसे निकालेंगे, इसका लेप होता है हमारा, इसमें दे रखा है 30 डी कहाँ दे रखा है, ये देखिए हमारा, ये देखिए 10 डी ग्रेटर देन ये 30 डी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रिंग का लैप है, ठीक है दोस्त। तो हमारा कितना आ गया था, ये देखिए 53 मतलब 54 नंबर, तो हम कहाँ कर देंगे इसमें 54 नंबर, जिसका कटिंग लेंथ हमारा कितना आएगा 300, कितना आएगा दोस्त 300, क्योंकि हमारा 10 mm का सरिया है तो 30 डी हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। अब मास्टर रिंग कैसे कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 1.5 मीटर पे हम प्रोवाइड कराते हैं पाइल के उसमें केज में, अब इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे ये देखना, सिंपली कुछ नहीं करना, 1200 माइनस 150 कितना हो गया 1050 माइनस हमारा बाहर का 10-10 का हेलिकल है तो 20 mm, ये हो गया वर्टिकल बार, हम हाइयर लेंगे तो हमारा है 25 mm, 25 गुना माइनस 50 mm, ठीक है, ये हमारा आ गया 9.80, ये हमारा अंदर का फेस है, तो ठीक है, इसमें हम 10 mm 15 mm ऊपर नीचे भी कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम ही कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ, तो 980, तो 980.980 इंटू 0.980 इंटू गुड़े 3.14 कितना आया 3.077, तो आप कुछ नहीं सिंपली 3.077, ठीक है दोस्त। तो इस तरह हमारा पूरा पाइल का हमारा BBS बनता है बड़े आसानी से। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी, अगर आपको किसी और चीज़ का BBS में कोई भी इशू होता है तो हमसे आप सीधा कांटेक्ट करें, ठीक है दोस्त। सो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। सो धन्यवाद।